सेकेंड सब्जेक्ट है आपका हिंदी फर्स्ट। तो चलिए बच्चों, आप भी अपनी हिंदी फर्स्ट की पुस्तक रिमझिम निकाल लीजिए और इसमें देखिए, कल हमने एक सुंदर सी कविता काले मेघा पानी दे का अध्ययन करा। आज हम इसी के साथ दी गई है कविता सावन का गीत दोबारा से अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, आप भी पेज नंबर 39 में देख लीजिए सावन का गीत कविता। तो देखिए आप, यहाँ पर भी क्या है, एक चित्र बना हुआ है जिसमें बारिश का ही चित्र बना हुआ है। लोग कोई छाता लेके जा रहा है, कोई किसी चीज़ को बारिश से बचने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। देखो यहाँ पे एक बच्चा रेनकोट पहन के खड़ा है और कुछ बच्चे झूम रहे हैं, गाड़ियाँ जा रही हैं इधर से उधर। तो इस तरह से यहाँ पे बारिश या सावन के बारे में बताया जा रहा है। तो यहाँ पे सावन का गीत है आज की कविता। और सावन क्या है, सावन एक महीना होता है, जैसा आपके इंग्लिश में है जनवरी फरवरी मंथ नेम है, तो वैसे ही हिंदी में मंथ नेम आते हैं चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन। तो सावन एक मंथ का नाम है। तो यहाँ पर देखिए आप, इस कविता में क्या वर्णन किया जा रहा है। तो चलिए आप भी अपनी पुस्तक में देख लीजिए सावन का गीत। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार, एक पैग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। एक बार फिर से पढ़ते हैं। सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार, उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार, उस रस्सी का कोई न जिसका पारावार, एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। तो देखिए आपको यहाँ पर क्या वर्णन किया जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि सावन का झूला, जो सावन का महीना होता है उस समय चारों ओर हरियाली हरियाली दिखाई देती है और खेतों में लोग झूला डालते हैं, झूला झूलते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सावन का झूला इस बार इतना बड़ा डालना जिसमें समा जाए संसार, कि सावन का झूला, सावन में जो हम झूला लगा रहे हैं वो इतना बड़ा डालना कि उसमें समा जाए पूरा संसार, समा जाना कि उसमें पूरा संसार आ जाए बैठ जाए, और उस डाली पर जो फैली है आसमान के पार। और उस डाली, जो डाली है फैली हुई है जो आसमान के पार, आसमान के पार जो डाली फैली हुई है, उस रस्सी का कोई ना जिसका पारावार, और उस रस्सी, जो रस्सी है जिसमें कोई बैठा हुआ है झूल रहा है, उसका कोई ना जिसका कोई पारावार, जो उसे कोई, जैसे पारावार यहाँ पर माना जाए कि धक्का देने वाला, जब हम झूला झूलते हैं तो पीछे से कोई हमें धक्का देता है ना, तो वैसे ही कोई ना जिसका पारावार, उसके पीछे कोई ना हो धकेलने वाला। तो एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार, और एक ओर से हम जब दूसरी ओर को धक्का देते हैं तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक पैंग में मंगल ग्रह के द्वार, एक पैंग में तो क्या है मंगल ग्रह के द्वार, और दूसरी में एकदम से अंतरिक्ष के पार। और दूसरी पैंग में वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर एक साइड से, मतलब एक साइड में तो हम क्या है मंगल ग्रह के द्वार पे हैं, और दूसरी साइड जैसे ही झूला में धक्का दिया जाएगा तो इतनी दूर जाएं जैसे अंतरिक्ष के पार, उसमें हम क्या कर लें अंतरिक्ष को भी पार कर दें। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये झूला है, जो यहाँ पर झूले के लिए बोला जा रहा है कि सावन का जो झूला है इतना बड़ा डालना कि जिसमें पूरा संसार बैठ जाए, और उसमें जो पीछे से जो धक्का देने वाला है पारावार है वो कोई ना हो, स्वयं ही इतनी ज़ोर से धक्का लगे कि वो एक पैंग में, एक ओर से तो मंगल ग्रह में खड़े हैं जैसे हम, और दूसरी ओर से हम सीधे अंतरिक्ष को भी पार कर दें, इतनी ज़ोर से झूल जाएं हम। तो यहाँ पर बच्चों सावन का गीत कविता में इस तरह से ये झूले का वर्णन किया जा रहा है। तो चलिए आज आप अपनी
कॉपी में दोबारा से सावन का गीत कविता लिख लीजिए। तो चलिए बच्चों, आप अपनी कॉपी में, और पहले आप यह सावन का गीत कविता पढ़ लीजिए, फिर अपनी कॉपी में दोबारा से लिख लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।